नमस्कार मित्रों, KGM क्लासेज में आप सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि आप सभी प्रतियोगी छात्रों को आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए महत्वपूर्ण संकलन, जिसमें कि करंट अफेयर्स, हिंदी एवं GS के सभी चैप्टर वाइज पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड किया जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। अतः आप लोग इस KGM क्लासेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं सामने अंकित घंटी को जरूर दबाएं, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। इस प्रकार आज की कड़ी में हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है कि किस प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त कर दिया। क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त कर दिया। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त कर दिया है। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे कि बेरोजगारी भत्ता आखिर क्या है, बेरोजगारी भत्ता क्या है और ये कब से आरंभ किया गया था और इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, ये क्वेश्चन मार्क्स होते आते हैं। आखिर ये समाप्त क्यों कर दिया गया, तो कारण यह रहा कि मौजूदा समय में ये अप्रासंगिक था। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो युवाओं को रोज़गार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये कब क्यों दिया जाता था, युवाओं को रोज़गार तलाशने एवं कौशल युक्त बनने के लिए दिया जाता था। क्योंकि जब युवाएं अपना युवाओं जो है कि कौशल के और रोज़गार तलाशेंगे तो उसमें कुछ उन्हें इस बेरोजगारी भत्ता से मदद मिल सके। और ये कब से दिया जाता था, इसके बारे में आप देखेंगे कि पहली बार वर्ष 2006 में तत्कालीन CM माननीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल में ये आरंभ किया गया था, लेकिन पुनः 2007 में मायावती जी जब आईं तो इसे बंद कर दी थी जो है। लेकिन पुनः फिर 2012 में जो है, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय अखिलेश जी ने ये घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने इस वादे को पूरा किया, लेकिन मौजूदा समय में ये अप्रासंगिक होने के कारण योगी गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। किस राज्य में कोल्ड ड्रिंक कंपनियों ने खाली प्लास्टिक बोतलों को वापस खरीदना आरंभ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, 2 महाराष्ट्र, 3 गुजरात, 4 हरियाणा। तो आप पहले इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसलिए लाए हैं कि जिससे आप लोग इसको देखें और पहले आप खुद एनालिसिस करें, अपने आप को जो है इसमें एनालिसिस करें कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर बनेगा। तो फिर उसके बाद हम बता रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस सेट भी होती जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र सरकार आंसर सही होगा। महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पे क्या है कि पेप्सिको, कोला और बिस्लेरी जो कंपनियाँ हैं, ये जो है प्लास्टिक की बोतलों को वापस खरीदने के लिए जो है कहीं हैं। तो इससे एक लाभ यह भी होगा कि पर्यावरण स्वच्छता में योगदान काफ़ी होगा और जो है प्लास्टिक जो कचरे हैं वो रिसाइकिल होकर के पुनः जो है अपने नए फॉर्म में आ जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि हाल ही में प्लास्टिक भी बंद कर दिया गया है, जिससे ये भी इसी कड़ी में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 734, 2 355, 748, 334। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए में 734। इसका व्याख्या करते हैं,
इस प्रश्न का, इसमें खेलो इंडिया योजना है क्या? आखिर खेलो इंडिया योजना क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया योजना इस तरह की योजना है जिसमें प्रतिभाशाली युवकों को जो है उनको प्रशिक्षित करके जो है प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी जिससे वे उत्कृष्ट खेल कूद में उत्कृष्ट बने। तो इसमें जो है कि दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला फैक्टर यह है कि कितने खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाए, एक साल के अंदर कितने खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाए। तो इसमें 1,000 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाना है जो कि प्रतिभावान खिलाड़ी हैं होंगे, और उनको जो है 8 वर्षों तक चुना जाएगा। और जो है कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति है जो कि 8 वर्षों तक मिलती रहेंगी। तीसरा फैक्टर है कि इनको इलाज, दैनिक खर्च एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी 1,20,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में खाड़ी के किस देश ने महिलाओं को हवाई जहाज़ उड़ाने की अनुमति प्रदान की है? हाल ही में खाड़ी के किस देश ने महिलाओं को हवाई जहाज़ उड़ाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसमें ऑप्शन ए में ईरान, बी में इराक, सी में सऊदी अरब है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो है महिलाओं को जहाज़ उड़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, किस राज्य सरकार ने SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बिहार सरकार ने अपने यहाँ कर्मचारी नौकरियों जो SC/ST का कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गीत जो है लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल दास नीरज, बी कृष्ण कुमार राय, इसी दो ही में से आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए क्या है? गोपाल दास नीरज। ये क्या है? एक ये जो लिखे जो खत तुझे तो वो तेरे याद में इसके लेखक हैं, लेकिन इनका हाल ही में बहुत दुखद बात है कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, बी सही होगा, ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, RBI द्वारा जल्द ही 100 रुपये के नोट जारी किए जाने की घोषणा की गई, इसके पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित होगा? तो ऑप्शन ए में है भारतीय गैंडा, बी में कुतुब मीनार, सी में भारतीय मोर और डी में रानी की वाव। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रानी की वाव, जो कि आपका यही आंसर होगा, रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर है और रानी की वाव आखिर है क्या? तो इसे हम बताते हैं आप लोगों को, ये रानी की वाव क्या है। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिला में स्थित है, और ये एक प्रसिद्ध बावड़ी है। रानी की वाव एक प्रसिद्ध बावड़ी जो कि सीढ़ीदार बावड़ी है और कई मंजिले में है, जिसे यूनेस्को ने 2014 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था।
और इसकी एक विशेष बात है जो कि रानी की वाव की विशेष बात है, भूमिगत जल संसाधन और जल संग्रहण प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। और एक विशिष्ट बात यह है कि 7 मंजिला वाव में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का सुंदर उपयोग किया गया है, जो जल संग्रह की तकनीक, बारीकी और अनुपात की क्षमताओं की जटिलता को दर्शाता है। तो इस तरह से रानी की वाव जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में जरूर आ सकता है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत सहित एशिया के 10 प्रमुख देशों की कुल जीडीपी किस देश को पीछे छोड़ देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत सहित एशिया के 10 प्रमुख देशों की कुल जीडीपी किस देश को पीछे छोड़ देगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में रूस दिया है, बी में जापान, सी में अमेरिका और डी में पाकिस्तान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका को जो है एशिया के 10 कंट्रीज जो है 2030 तक, आने वाले 2030 में कुल जीडीपी में जो है इनको पीछे कर छोड़ देंगी। इस तरह से आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने किस पूर्व राष्ट्रपति और उनकी बहन फरियाल तालपुर सहित 20 लोगों को पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में परवेज मुशर्रफ, बी में आसिफ अली जरदारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आसिफ अली जरदारी। ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। इनके साथ इनकी बहन और अन्य 20 लोग भी हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कितने वर्षीय महिला कैदियों को 50% सजा, माने आधी सजा पूरी होने पर विशेष माफी दिए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 40, बी में 45 और सी में 50 और डी में 55। ये वर्ष दिया गया है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कितने वर्षीय महिला, मतलब 55 वर्षीय महिला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 55 वर्षीय महिला को जो है अगर इनकी आधी सजा पूरी हो जाती है तो इनको विशेष माफी दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आप हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में पाकिस्तान, बी में तुर्की और सी में ईरान और डी में रूस दिया है। तो आप आपका सही आंसर कौन सा होगा, तुर्की। तुर्की तुर्की में आपातकाल 2 साल बाद हटाए गए हैं। इस क्वेश्चन का कुछ व्याख्या भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि तुर्की में 2 साल तक आपातकाल क्यों लगा रहा, कारण क्या रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुर्की की संसद जो है अंकारा में स्थित है, वहाँ पे जो है उसके संसद पे बम हमले कराए गए और सशस्त्र विद्रोह हुए, जिसमें कि 250 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल भी हो गए थे। तो ये चीज़ें वहाँ की सरकार को तख्ता पलट करने के उद्देश्य से किया गया, ऐसा माना जाता है। तख्ता पलट में एक लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया गया है, कि मैगजीन में लिखा हमने पाया है कि तुर्की के निर्वासित धर्मगुरु फतेहुल्लाह गुलेन, जिनको इस तख्ता पलट में जिम्मेदार ठहराया गया है, ये अमेरिका में इस समय जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तुर्की से निर्वासित कर दिए गए हैं। इस तरह वहाँ पे बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण वहाँ पे आपातकाल लगाना पड़ा, और ये आपातकाल शुरुआत में पहले 3 महीने के लिए लगाया गया था, लेकिन बाद में हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसके कारण इसे 3-3 महीने पर 7 बार जो है बढ़ा दिया गया। फिर वहाँ पे राष्ट्रपति, नए निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, जो जिनका नाम है तैयब उर्देगान, तैयब एर्दोगान को निर्वाचित किया गया। इन निर्वाचित करने से पहले विपक्षी दलों ने इनसे एक वादा शर्त की थी कि आप राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद यहाँ पे, माने तुर्की में,
आपातकाल को समाप्त करेंगे। जैसा कि इसके मुताबिक इन्हें जो है इस तरह का आपातकाल को समाप्त करना पड़ा। तो 2 वर्षों तक इस तरह का आपात चला है वहाँ पे। तो 2 वर्षों के बाद जब ये नए निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं तैयब एर्दोगान जी ने, तो वहाँ पे आपातकाल को हटा दिया गया है। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 17 के बीच देश में रेलवे पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर से कितने लोगों की मौत हुई। ये देखा जाए तो सामने रेलवे का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, उनके लिए तो देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 17 माने 2 साल के बीच देश में रेलवे पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर से कितने लोगों की मौत हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 49,790, 55,000, 70,000 दिए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए ऑप्शन नंबर ए 49,790, लगभग लगभग मोटी मोटा 50,000 लोगों की मौत हो गई है 2 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल में एक ग्रह के 12 और चंद्रमाओं की खोज के बाद किस ग्रह के सबसे अधिक चांद हो गए। तो यहाँ पे चंद्रमाओं का तात्पर्य है उपग्रहों से, माने कौन सा ऐसा ग्रह है सौरमंडल में जिनके 12 और उपग्रह की खोज कर दी गई है, जिससे कि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। और इसमें ऑप्शन दिया है बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध। तो बृहस्पति ग्रह आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह। वैसे पहले से भी इनके सबसे ज़्यादा उपग्रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई वाली हस्तियों की सूची में शीर्ष पर किसका नाम है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई वाली हस्तियों की सूची में शीर्ष पर किसका नाम है। तो इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। एंजेलिना जोली, ऑप्शन नंबर ए एंजेलिना जोली, ऑप्शन नंबर बी जिम एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉयड मवेदर, ऑप्शन नंबर डी टॉम क्रूज। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लॉयड मवेदर। फ्लॉयड मवेदर कौन है, ये अमेरिका की एक मुक्केबाज है। इस समय इनकी 1951 करोड़ वार्षिक इनकम है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने करीब 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को मंजूरी दी है। किस राज्य की सरकार ने 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। ऑप्शन सही कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सही होगा। दिल्ली राज्य की सरकार ने 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना की मंजूरी दी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए। किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में, ध्यान दीजिएगा ये T20 है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज, भारत के पहले और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए। तो ऑप्शन नंबर ए में ऋषभ पंत, बी में हार्दिक पांड्या, सी में रोहित शर्मा। आंसर कौन सा सही होगा आपका, रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा ऑप्शन सी पे टिक कर दिया जाए, रोहित शर्मा आंसर आपका होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान के लिए कहा कि इसमें स्थित मस्जिद में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में ताजमहल, बी में कुतुब मीनार, सी में लाल किला। ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थान के लिए कहा कि इसमें, इस मस्जिद में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ताजमहल, ताजमहल में। इसका ताजमहल का एक विशेष मुद्दा भी उठा था कि ताजमहल में ये यहाँ पे हुआ क्या था, आपको कहानी की तरह बता देते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा और भूलेगा नहीं जल्दी। वहाँ पे हुआ था क्या कि आगरा प्रशासन ने जो है कि सभी नमाज़ पढ़ने वाले व्यक्तियों को मना कर दिया था कि आप ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने, सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने अब जो है
इस याचिका को आगरा प्रशासन के आदेश की चुनौती दी थी। तो आगरा प्रशासन को चुनौती दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल किया कि भाई नमाज के लिए उन्हें ताजमहल में ही क्यों जाना चाहिए, और भी तो दूसरी मस्जिद है, वहाँ भी तो नमाज पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और इसलिए ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह इनकी याचिका खारिज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में किस संस्थान को निजी क्षेत्र के संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो इसको बढ़िया से आपका व्याख्या के साथ हम आपको बताते हैं। केंद्र क्वेश्चन है 19। केंद्र सरकार द्वारा जारी उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में किस संस्थान को निजी क्षेत्र के संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए टाइम्स इंस्टीट्यूट, बी रिलायंस, जियो इंस्टीट्यूट। दो ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट ये जो है निजी क्षेत्र के संस्थानों में जो है शीर्ष स्थान बनाया गया। एक जो है केंद्र सरकार उत्कृष्ट संस्थानों की सूची बनाई थी, जिसमें कि ये शीर्ष स्थान पे है, रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट। और जो है कि यहाँ पे बात ये होती है कि रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट को जो है कि सूची में पहला स्थान दे दिया गया, और इन्हें ही क्यों दिया गया, रिलायंस जियो इंस्टीट्यूट को क्यों दिया गया है, और उत्कृष्ट सूची क्या है, उत्कृष्ट संस्थानों की सूची क्या है, इसे भी जान लीजिए। उत्कृष्ट संस्थान सूची बनाई गई है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि भाई अभी तक भारत में 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो है भारत में 800 यूनिवर्सिटीज, लेकिन इनमें जो है टॉप विश्व रैंकिंग विश्व लेवल पे जो है वर्ल्ड लेवल पे कोई टॉप 100 और टॉप 200 के अंदर भी नहीं आ पाई है। तो इनमें जो है कुछ सुधार करना चाहिए, जिससे कि ये टॉप रैंकिंग में आ सके, विश्व के टॉप रैंकिंग में आ सके। तो इसलिए इन्होंने कोई टिकाऊ प्लान बनाने की योजना बनाई। तो इसमें इन्होंने यह प्लान बनाया कि इन सभी संस्थानों को आज़ादी दे दी जाए और अपना पाठ्यक्रम स्वयं बनाए, रूल्स और रेगुलेशन स्वयं बनाए, जिससे कि ये स्वयं अपना अच्छे पाठ्यक्रम उच्च गुणवत्ता युक्त तो बनाएंगे, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उसमें प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे कि प्रतिस्पर्धा के दौरान वे अपने यहाँ अधिक कौशल उच्च गुणवत्ता युक्त परिचालन स्तर को बढ़ाएंगे। इसमें जियो को इसलिए बना दिया गया है, इस श्रेणी में लिया गया है कि जियो को ग्रीन फील्ड, एक इसमें सिस्टम बनाया गया है कि ग्रीन फील्ड श्रेणी बनाया गया है, जिसमें कि इस संस्थान इस श्रेणी के तहत इनको लिया गया है। इसमें क्या है कि कोई लैंड और कैपिटल की बात है, कि कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसके पास लैंड और कैपिटल हो और उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल जो है प्रदान करने में सक्षम हो, इस तरह से इनको इस श्रेणी के तहत, ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत इनको लिया गया है। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 20 भी है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्कृष्ट संस्थानों की सूची में किस सरकारी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आईआईटी पुणे, बी में आईआईटी बंगलुरु, सी में आईआईटी दिल्ली। तो इसमें आपका आंसर सही होगा आईआईटी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आईआईटी बेंगलुरु को। अच्छा, एक चीज़ ये है कि उत्कृष्ट संस्थानों की जो सूची बनाई गई है उसमें तीन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और तीन निजी क्षेत्र के हैं। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, और जो निजी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और ऑप्शन नंबर दो दूसरा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई सार्वजनिक क्षेत्र में, इनको भी जो है दूसरा स्थान मिला है। तीसरा स्थान मिला है दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। और निजी क्षेत्र के तीन कौन है, जियो इंस्टीट्यूट पुणे, जो कि आपने इसमें इस प्रश्न में आपको बता दिया गया, जियो इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, और दूसरे स्थान पे बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पिलानी राजस्थान में है ये।
और तीसरे नंबर पे है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल कर्नाटक में है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये निजी क्षेत्र की तीसरे स्थान पे है। इस तरह से आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा, प्रतिदिन पर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।